नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। नीट पेपर लीक मामले में आरजेडी सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है। अब तक आपने देखा कि आरजेडी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किया, कई पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और उसके जरिए बीजेपी तो कभी जेडीयू, नीतीश कुमार तमाम जो नेता हैं उन पर हमला किया और उन पर निशाना साधते हुए कहा कि नीट पेपर लीक मामले में जितने भी मुख्य आरोपी हैं, जो भी सरगना है, उन तमाम लोगों का जो कनेक्शन है वो सीधे नीतीश कुमार से है, सम्राट चौधरी से है, बीजेपी के तमाम नेताओं से है। ये कहते हुए आरजेडी ने कई तस्वीर जो है वो साझा किया, लेकिन अब आरजेडी के निशाने पर आ गए हैं चिराग पासवान। जी हाँ, चिराग पासवान जो इन दिनों बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक में चिराग पासवान की खूब चर्चा हो रही है। लड़कियों के बीच में चिराग पासवान काफी पॉपुलर हैं। आप देखिए कि इसी बीच आप देखिए कि आरजेडी ने चिराग पासवान को नीट मामले में घसीटा है और उन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नीट पेपर लीक मामले में जो मुख्य सरगना बताया जा रहा है इस पूरे मामले का, संजीव मुखिया और उनकी पत्नी के साथ जो तस्वीर है वो साझा करते हुए चिराग पासवान पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। ये पोस्ट आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इस पोस्ट को आप देखिए, आरजेडी ने सवाल उठाते हुए लिखा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान से उनके आवास पर टिकट प्राप्त करने के बाद नीट पेपर लीक का किंगपिन और मुख्य सरगना संजीव मुखिया अपनी पत्नी ममता देवी के साथ, एनडीए के बड़े नेताओं के साथ संजीव मुखिया के मधुर और व्यवसायिक संबंधों का राज क्या है। ये तस्वीर जो उस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर पीछे संजीव मुखिया जिसको घेर करके आरजेडी ने हाईलाइट किया है और लिखा है नीट पेपर लीक का किंगपिन संजीव मुखिया। दूसरे तरफ जो महिला खड़ी है उसको सर्कल करते हुए आरजेडी ने दिखाया है और लिखा है पत्नी ममता देवी, लोजपा विधायक प्रत्याशी, पूर्व जेडीयू नेत्री ममता देवी का नाम हाईलाइट करते हुए ये पोस्ट जो आप देख रहे हैं ये राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की तरफ से किया गया है। अब इस पूरे मामले पर एक तरफ जहां चिराग पर सवाल उठने लगे, लोजपा रामविलास पर सवाल उठने लगे कि आखिर क्या कनेक्शन है इन मुख्य सरगना से कि बार बार इस तरह की आरजेडी सवाल उठा रही है, इन सब के बीच अब एलजेपीआर प्रवक्ता विनीत सिंह का जवाब आया है। विनीत सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वो सुनिए और आरजेडी के सवालों पर क्या जवाब दिया है वो सुनिए। राजद अपने अपराधी गठजोड़ का ठीकरा दूसरे पार्टियों पे फोड़ के अपने आप को बचाना चाहती है, चाहे जदयू हो या हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान जी के सार्वजनिक श्रद्धांजलि सभा में अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है जिसका कि प्रत्यक्ष रूप से हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति का फोटो साझा करके आप हमसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर यह आपकी कुत्सित मानसिकता कभी भी सफल नहीं होगी। जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और यकीन मानिए आपका कोई भी पीए पीएस या कोई भी नेता अगर पेपर लीक में संलिप्त हो तो बचेगा नहीं, जेल जरूर जाएगा। तो सुना आपने, विनीत सिंह ने साफ कहा है कि इनका उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही कहा है कि इसकी स्पष्ट जांच होगी, जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कल शपथ ग्रहण के बाद जब चिराग पासवान पार्लियामेंट से बाहर आए तो वहां भी उनसे नीट पेपर लीक मामले को लेकर के जब सवाल किया गया तो चिराग पासवान ने साफ साफ कहा था कि जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और आरजेडी के तमाम जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर के भी चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा था वो सुनिए। जांच पूरी तरीके से चल रही है और जो भी दोषी होगा, सरकार कतई नहीं भाग रही, हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग खुद चिंतित हैं, मेरे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संभवतः ये बातें इस तरीके से सामने भी नहीं आई थी, तब से उनकी चिंता है। सारे स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों की चिंताएं बढ़ी है, इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी दोषी होगा भविष्य में ऐसी घटना ना घटे इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी। तो नीट पेपर लीक मामले में लगातार आरजेडी जो है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर है। बीते दिन आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि इसकी जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से हो और अच्छे से हो, वरना एक एक करके सारे तस्वीरों को साझा करेंगे, सारे सबूत को दुनिया के सामने लाएंगे और दिखाएंगे। जिसपे की विजय सिन्हा ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो सीधा दिखाए, और इसके बाद से आप देखिए कि आरजेडी लगातार एक एक तस्वीरों को साझा कर रहा है और तस्वीरों को साझा करते के साथ सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं पर सवाल उठा रहा है, फिर वो चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो या फिर चिराग पासवान हो। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ इन तमाम नेताओं की तरफ से जवाब आते हैं, सत्ता पक्ष आरजेडी के तमाम सवालों पर कैसे रिएक्ट करता है, क्या कुछ रिएक्शन नेताओं के सामने आते हैं। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं इस पूरे मामले पर। बिहार के तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।